एग्जिट पोल में जो सामने आ रही है कि बीजेपी को अब तक 255 से 270 सीट, यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट मिलने की संभावना। एग्जिट पोल के मुताबिक जो लोगों की मन की बात अभी तक सामने आई है वो कुछ ऐसी तस्वीर पेश कर रही है कि एनडीए को यूपी में 68 से 71 सीट, जबकि अगर हम पूरे देश की बात कर ले तो अभी तक जितनी सीटों की तस्वीर हमने साफ की है एग्जिट पोल में, उसके मुताबिक 255 से 270 सीट जाती दिख रही है बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी का शुरुआत से नारा था आपकी बार 400 पार, बीजेपी के लिए 370 का लक्ष्य पीएम मोदी ने निर्धारित किया था और एनडीए के लिए 400 पार का। लेकिन अभी तक की जो पिक्चर है वो बता रही है 543 में से 396 सीटों पर कि 255 से 270 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 68 से 71 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के खाते में 9 से 12 सीटें जा सकती हैं। और चलिए बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें क्या हैं जिसमें 2024 के नतीजों का सार छिपा है। एग्जिट पोल के बाद जब नतीजे आएंगे तब ये बातें सच साबित होती नजर आएंगी। हैट्रिक लगा सकती है मोदी सरकार, अकेले बीजेपी पार कर सकती है जादुई आंकड़ा। इसके अलावा यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट का अनुमान है। पांचवी बड़ी बात यह कि यूपी में बीजेपी को 47% वोट मिल सकता है, ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। वहीं छठी बड़ी बात, उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश में एनडीए को 26 से 29 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए को 32 से 35 सीट का अनुमान। वहीं दक्षिण भारत में एनडीए को 51 से 54 सीट। यूपी में राम मंदिर का असर एग्जिट पोल के दौरान ऐसा दिख रहा है कि जो बातें सामने आ रही है जितनी सीट का अनुमान लग रहा है तो राम मंदिर का एक बहुत बड़ा असर है। एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई। उत्तर प्रदेश की टैली आप देख सकते हैं, ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल एक अनुमान है, एक संकेत है कि जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो किस तरह की पिक्चर देखने को मिल सकती है। 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 68 से 71 सीटें पिछली बार गठबंधन साथियों को मिलाकर एनडीए के खाते में 66 सीट गई थी और इस बार ये संकेत मिल रहे हैं कि 68 से 71 सीटें जा सकती हैं और इंडिया ब्लॉक के खाते में 9 से 12 सीटें। अगर ऐसा होता तो पश्चिम में जहां पिछली बार नुकसान हुआ था वहां पर भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बम्पर सीट, एनडीए को 2019 से ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को यूपी में 68 से 71 सीट मिलने का अनुमान है जबकि पिछली बार पूरे गठबंधन को 66 सीट ही मिली थी। INDIA को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को सिर्फ 30 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। अगर ऐसा भी होता है तो कांग्रेस के लिए फायदे की बात होगी क्योंकि 2019 में महज एक सीट पर ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी, वो रायबरेली। लेकिन इस बार एग्जिट पोल इस बात का संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी 3 से 6 सीटें जीत सकती है, मतलब ये कि रायबरेली के अलावा भी कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। हालांकि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनावी रण में हैं, अमेठी से किशोरी लाल हैं, बाकी कुछ और सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। ये संकेत है, ये एग्जिट पोल के संकेत। एक सीट वाराणसी भी है जहां से अजय राय भी चुनाव मैदान में है कांग्रेस के। ऐसा कांग्रेस का भी कहना है और अखिलेश यादव का भी कहना है कि वहां पर चुनावी मुकाबला है लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार हार जीत का अंतर वहां पर इतना ज्यादा होगा कि हर कोई स्तब्ध रह जाएगा, चौंक जाएगा। अगर यूपी में आंकड़ों की बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए के लिए 68 से 71 सीटें हैं, इंडिया ब्लॉक के लिए 9 से 12 सीटें हैं, अदर्स के खाते में 0 सीटें हैं। मतलब ये कि बहुत संभव है कि 2014 की तरह बीएसपी एक बार फिर से शून्य पर सिमट जाए। 2014 में भी बीएसपी का खाता नहीं खुला था और अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित होता है तो फिर 2024 में भी यानी 10 बरस बाद एक बार फिर से बीएसपी उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमट सकती है। यानी कि 2019 में बीएसपी और एसपी का गठबंधन था तब बीएसपी के खाते में 10 सीटें गई थी और इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है तो इसका नुकसान उठाने को मिल सकता है बीएसपी को। एग्जिट पोल तो यही संकेत दे रहा है, एग्जिट पोल यही संकेत दे रहा है कि बीएसपी शून्य पर सिमट सकती है लेकिन इंडिया ब्लॉक जिसमें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुख्य तौर पर चुनावी मैदान में, इसके अलावा एक सीट टीएमसी को दी गई है, भदोही की सीट जहां से ललितेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में है और संकेत इस बात की मिल रहे हैं कि 9 से 12 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीर एग्जिट पोल में साफ होती दिख रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले 5 की 5 यानी कि क्लीन स्वीप लगाने की भी हैट्रिक हो सकती है अगर इस बार जो एग्जिट पोल में तस्वीर दिख रही है वो एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है
तब 5 की 5 सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में, यानी कि क्लीन स्वीप की हैट्रिक उत्तराखंड में बीजेपी लगा लेगी। और एग्जिट पोल की टैली पर नजर डालें तो उत्तराखंड में पिक्चर नहीं बदल रही है। 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। मतलब जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, वही उत्तराखंड में 2024 में भी हो सकता है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए और आसान करके बता रहे हैं। आप देखिए, 68 से 71 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 9 से 12 सीटें एनडीए ब्लॉक के खाते में जा सकती हैं, और जो अदर्स का कॉलम आप देख पा रहे हैं वहां पर 0-0 लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि फायदे में दोनों दिख रहे हैं, एनडीए भी फायदे में, इंडिया गठबंधन भी फायदे में। नुकसान किसे हो रहा है? बीएसपी को, क्योंकि 2019 में 10 सीट बीएसपी ने जीती थी, 5 समाजवादी पार्टी के खाते में। हालांकि बीएसपी के तमाम सांसद छिटक के इधर उधर हो गए, बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हो गए, और अब बीएसपी को इस एग्जिट पोल के मुताबिक नुकसान होता दिख रहा है। 0-0 मतलब खाता भी नहीं खुलेगा। ये संकेत ही है कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ती हुई। ये संकेत ही, और इस बात की चर्चा हम आप कर भी रहे थे कि जो एग्रेशन शुरुआती चरणों में बीएसपी की तरफ से देखने को मिला, आकाश आनंद की तरफ से देखने को मिला, वैसा धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आगे बढ़ता चला गया वो एग्रेशन दिखा नहीं। मायावती ने चुनाव की कमान संभाली और उसके बाद से ही टेम्पो बीएसपी का डाउन होता चला गया। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये संकेत भर है, ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल जो संकेत दे रहे हैं वो बीएसपी के लिए फिलहाल शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर एक बार फिर से आप यूपी की देखिए, उत्तर प्रदेश की देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत हुई थी, पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरे फेज में पश्चिमी और बुंदेलखंड का इलाका था, और इस तरह से पूर्वांचल की तरफ 7वें फेज तक ये इलेक्शन पहुंचा। और आज 7वें चरण में 13 सीट पर पूर्वांचल में वोटिंग हुई, जिसमें बनारस और गोरखपुर भी शामिल है। और जो कुल तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, वो एग्जिट पोल की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां लोगों से बातचीत हुई है, सर्वे हुआ है, जो हमारी टीम पहुंची वहां पर सर्वे करने के लिए, और उन्होंने जो फीडबैक लिया है उसके आधार पर ये एक तस्वीर। नतीजे क्या है असल में, वो तो 4 जून को क्लियर। और अगर आप टॉप पर जो टैली चल रही है वो देखिए, 543 में से 543 सीटों के जो संकेत आए हैं, जो अनुमान आया है उसके मुताबिक यहां पर एनडीए 355 से 370 के करीब जा रहा है, इंडिया ब्लॉक 125 से 140 और अदर्स के खाते में 42 से 52 सीटें जा रही है। मतलब पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं एग्जिट पोल में, 355 से 370। हालांकि 370 बीजेपी ने अकेले अपने लिए टारगेट सेट किया था और एनडीए के लिए 400 पार की बात कही गई थी, लेकिन जो मैजिक नंबर्स चाहिए सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ, वो 272 का है और बीजेपी और एनडीए उससे कहीं आगे, 355 से 370। दूसरी तरफ 125 से 140 इंडिया ब्लॉक। आज ही खड़गे साहब का बयान आया है कि हम 290 प्लस जा रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भूचाल आने वाला है 4 जून के बाद, लेकिन एग्जिट पोल संकेत ये दे रहे हैं कि 125 से 140 सीटों के करीब इंडिया ब्लॉक सिमट सकता है। अखिलेश यादव ने कहा था कि 140 से नीचे बीजेपी को मिलेगी, जो जनता है 140 से नीचे बीजेपी को सिमटा के रख देगी, लेकिन यहां अगर हम एग्जिट पोल की देखें तो एग्जिट पोल में मैक्सिमम 140 INDIA गठबंधन को जाती हुई सीटें दिख रही हैं। अदर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर, 42 से 52। हाँ, लेकिन अगर 355 से 377 या 370 तक एनडीए जा रहा है तो फिर बहुत ज्यादा वहां पर अदर्स की भूमिका रह नहीं जाती। मेनका, अदर्स की भूमिका नहीं है सरकार बनाने में, लेकिन 42 से 52 अदर्स के खाते में जाना, जबकि एक तरफा मैंडेट उसके बाद भी, ये 10 बड़ी बातें हैं। 10 बड़ी बातें मेगा एग्जिट पोल की वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। बीजेपी को 305 से 315 सीट मिलने का अनुमान 2019 के मुकाबले, बीजेपी और एनडीए को फायदा हो रहा है, कांग्रेस के प्रदर्शन में मामूली सुधार देखने को मिल रहा है 2019 के मुकाबले, और इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटों का अनुमान है। और यूपी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, इस मेगा एग्जिट पोल की जो पिक्चर है अभी तक की, वो आपके लिए शुभ संकेत, एक अच्छी खबर। 355 से 370 तक आप समूचे देश में जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 68 से 71 सीटें बीजेपी, या यूं कहे कि एनडीए यहां पर जीत रहा है। जी, ये आपके आकलन है और अच्छा, ये हमारे लिए शुभ संकेत है, लेकिन इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व और कृतित्व, अमित शाह जी की कुशल रणनीति, आरएसएस के कुशल प्रबंधन और व्यापक जनसंपर्क तथा कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम 400 पार निश्चित करेंगे, क्योंकि अभी जो
डॉल ड्रम में लग रहा है या पेंडुलम की तरफ सीटें लग रही हैं, वह भी हमारी तरफ आएंगी और जो मोदी जी का नारा था 400 पार, वह निश्चित रूप से पूरा होगा। ये 400 पार का आंकड़ा आपको कहां से लग रहा है, कहां से ये कमी जो है वो पूरी होगी? साउथ से और सीटें आपको मिलने की उम्मीद लग रही है या फिर नॉर्थ में? देखिए, साउथ से पहली बार हम बहुत आगे होके आएंगे और साउथ में स्थिति ये रहेगी कि इंडी गठबंधन और एनडीए ये लगभग बराबर की स्थिति पर आएंगे और आगे हम यूपी, बिहार, बंगाल इसमें बहुत बड़ा हासिल कर रहे हैं। कई जगह तो क्लीन स्वीप, गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, आपका गोवा हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, यहाँ तो क्लीन स्वीप करने वाले हैं हम और एमपी में भी क्लीन स्वीप करेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम लोग निश्चित रूप से 400 पार करने वाले हैं। योगेंद्र जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि 10 बरस की आपकी सत्ता, उसके खिलाफ जो माहौल है वो, और दूसरा ये भी कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि एक अंडर करंट है जो कि वोट में कन्वर्ट होगा और हमारी जीत होगी। अब कह सकते हैं संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि वैसा कुछ भी नहीं था। 10 बरस के आपके कामकाज से लोग खुश हैं, न सिर्फ देश की जनता बल्कि उत्तर प्रदेश की भी जनता, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों से और कामकाज से। देखिए, चौराहों पर चर्चा और चूल्हे पर विचार, हमारे मोदी जी और योगी जी और अमित शाह की कुशल रणनीति चूल्हे तक पहुंच चुकी थी। जो साइलेंट वोट, अंडर करंट, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। जिस अंडर करंट को अपने लिए समझ रहे होंगे, वो अंडर करंट वास्तव में बीजेपी के लिए था और यही कारण है कि 400 पार का जो हम आपको आश्वासन, मतलब विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, वो विश्वास इसीलिए व्यक्त कर रहे हैं कि उस अंडर करंट को किसी ने नहीं देखा जो चूल्हे और चौके से निकलकर वोट डालने जाता है। जी जी, लेकिन बिहार की अगर हम बात कर लें, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं तो बिहार को भी करीब से देख रहे हैं, वहां पर 2019 के मुकाबले नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी को, एनडीए को, नीतीश जी के साथ फिर से जाना और बार बार आना जाना, और जिस तरह से जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को आरजेडी ने उठाया, क्या उसका नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, जाति मुद्दों को उठाकर हम कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूर्व में जनसंघ, ये शैशव काल से ही राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करते रहे, राष्ट्रीय हित की बात करते रहे। भले ही हमें विलंब हुआ, अपने विचारों की स्थापना में एक समय लगा, लेकिन आज जनता के समझ में आ गए हमारे विचार। तो ये जो उथली राजनीति करते हैं, शॉर्टकट राजनीति करते हैं, उनको जनता स्वीकार नहीं करने वाली। नीतीश कुमार को आप अपने साथ लाए, ऐसे ही आप जयंत चौधरी को भी अपने साथ लाए, आपको लग रहा है कि उनके साथ आने से और चौधरी साहब को भारत रत्न देने से पश्चिम की हवा बदल गई या पहले से ही आपके फेवर में थी? ये मैंने बताया आपको कि मोदी जी का व्यक्तित्व और योगी जी का व्यक्तित्व, दोनों के कृतित्व और अमित शाह जी कुशल रणनीति, ये सब मिलकर कई बातें का संगम बना और संगम ने उस संगम की बाढ़ में ये सब विपक्षी दल धराशायी हो गए। जो इंडी गठबंधन अभी शाम तक 290 की बात कर रहा था, वो सिमट कर 100 के आसपास रह जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसे लेकर वो कह रहे हैं कि अभी और भी ज्यादा सीट्स, एग्जिट पोल में जितनी सीट्स दिख रही हैं उससे कहीं ज्यादा सीट बीजेपी एक्चुअल में, एग्जैक्ट पोल में हासिल करेगी, ये दावे बीजेपी की ओर से बार बार किए जा रहे हैं। अब ये बड़ी पिक्चर हम आपके सामने रख रहे हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं, मतलब ये कि वो चुनाव जीत सकते हैं, एग्जिट पोल इस बात का संकेत दे रहा है। ये हम उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटें और बड़े चेहरे जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। लखनऊ सीट जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट है, राजनाथ सिंह एक बार फिर से वहां पर आ गए हैं हमारे एग्जिट पोल में। इस मेगा एग्जिट पोल में वाराणसी से पीएम मोदी और लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से आगे हैं। 2019 की तरह 2024 में भी वो आगे चल रही। अमेठी पर सबकी निगाहें थी, वाराणसी की तो बात ये हो रही थी कि जीत का मार्जिन क्या होगा, अमेठी पर सबकी निगाहें थी और कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत यहां अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया है, ऐसा कैंडिडेट जिससे मात दिलवा सकती है पार्टी स्मृति ईरानी को, लेकिन एग्जिट पोल में भी स्मृति ईरानी आगे चल रही है। रवि किशन गोरखपुर से चुनावी मैदान में, वो भी एग्जिट पोल में आगे हैं, मतलब ये कि एक बार फिर से गोरखपुर सीट पर कमल खिल सकता है और लगातार
गोरखपुर सीट पर कमल खेलता रहा है, बीजेपी की जीत होती रही। 2018 के उपचुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी लगातार इस सीट पर जीतती रही है। उससे पहले हिंदू महासभा की तरफ से जीत दर्ज की जाती रही है। अजय मिश्रा टेनी जो कि एक बार फिर से खीरी सीट से चुनावी मैदान में थे, जिनके खिलाफ ये कहा जा रहा था कि माहौल इस बार ठीक नहीं है, मतलब हवा उनके खिलाफ बह रही है, वो भी एग्जिट पोल में फिलहाल आगे चल रहे हैं। मतलब ये कि खीरी सीट पर एक बार फिर से कमल खिल सकता है। यूपी के बड़े बड़े चेहरों की तस्वीर भी देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से कन्नौज से चुनाव मैदान में और वो आगे कन्नौज में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े चेहरों की स्थिति क्या है एग्जिट पोल में वो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी वो आगे चल रही है मैनपुरी में, मौजूदा सांसद भी मैनपुरी से और कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी की और वो भी आगे चल रही है मैनपुरी में। ये तस्वीर देखिए, ये बड़े चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जिनकी साख कह रहे हैं कि दांव पर लगी है। रायबरेली में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा गई इस सीट पर, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी वो चुनाव लड़ रहे हैं जो वायनाड से सांसद, वायनाड से भी कैंडिडेट और यहां रायबरेली से भी चुनाव लड़े। वहीं अनिल बलूनी पौड़ी से वो आगे चल रहे हैं, तो पौड़ी सीट से अनिल बलूनी भी आगे चल रहे हैं। मतलब उत्तराखंड की पांच की पांचों सीटें अगर बीजेपी के खाते में जा रही तो जाहिर सी बात है कि यहां पर पांचों प्रत्याशी एग्जिट पोल में आगे चल रहे हैं। अनिल बलूनी पौड़ी सीट से फिलहाल आगे चल रहे हैं और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़ा चेहरा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको इस बार हरिद्वार सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया, एग्जिट पोल ये बता रहा है कि वो भी आगे हैं अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले, वो इस सीट पर कब्जा कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर एक और बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री है हमीरपुर हिमाचल, जहां से वो चुनाव मैदान में एग्जिट पोल में अनुराग ठाकुर को भी बढ़त है, अनुराग ठाकुर भी आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से एग्जिट पोल में क्या तस्वीरें सामने उभर कर आई है वो न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। और एग्जिट पोल के बीच ब्रजेश पाठक का बयान आया है, एनडीए सरकार बनाने जा रही है, ये कहना है डिप्टी सीएम का, जनता ने विपक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया है, ये भी कहा ब्रजेश पाठक ने। नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। ये जाहिर सी बात है एग्जिट पोल में जो तस्वीर सामने आ रही है, आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी को उत्साहित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सभी पांच सीट जीत रही है, तीसरी बार क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी। उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है, खाता खुलना यहां पर मुश्किल नजर आ रहा है। मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि 2014-2019 में बीजेपी ने सभी पांच सीटों पर जीत दर्ज की और इस बार 2024 में भी संकेत उसी बात के मिल रहे हैं कि पांचों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि एक दो सीटों पर फाइट है, यहां पर तस्वीर बदल सकती है 2019 के मुकाबले, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल ये संकेत दे रहे हैं कि नहीं, उत्तराखंड की पांचों सीटों पर एक बार फिर से कमल खिल सकता है। तो उत्तराखंड की बात की जाए एग्जिट पोल के मुताबिक, वहां के बड़े चेहरों की बात करें तो बीजेपी के जो पांचों कैंडिडेट हैं पांच सीट पर वो जीत रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। कांग्रेस को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो एग्जिट पोल की बातें सामने आ रही है एक भी सीट कांग्रेस के खाते में जाती नहीं दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आ गया है, सभी एग्जिट पोल में भाजपा एनडीए को बहुमत दिखाया गया, ये आंकड़े 4 जून को और आगे बढ़ेंगे, ये प्रधानमंत्री की नीतियों और नियत की जीत है, ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो कि एग्जिट पोल के जो संकेत मिल रहे हैं उससे खुश हैं और वो कह रहे हैं कि आंकड़ा 4 जून को और आगे जाएगा। तो एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत, सीएम धामी इससे उत्साहित। जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नियत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है, जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी।
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी बता रहे हैं कि जीत जो मिलने वाली है वो ऐतिहासिक होगी। एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एनडीए के खाते में सीट आने वाली है, ये दावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, यानी कि अभी से ही बधाई देने का सिलसिला भी समझिए, श्रेय देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है एनडीए के नेताओं का। और प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहे हैं, जाहिर सी बात है जब बीजेपी चुनाव में उतरी थी तभी ये नारा दिया गया मोदी की गारंटी, और इसी गारंटी के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी। और अगर एग्जिट पोल में, तमाम एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं और जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाएगा। और ये देखिए उत्तराखंड की ये तस्वीर जहां पर नैया डूबती हुई कांग्रेस की एक बार फिर दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 5-5 सीट। जी, देवभूमि में कुछ भी बदल नहीं रहा है, 5-5 सीटें एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 2024 में भी आगे बढ़ता रहेगा, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और कांग्रेस के हिस्से कुछ भी नहीं आने वाला है, ये संकेत हैं। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है, बधाई देने का सिलसिला चल रहा है, एग्जिट पोल का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल के लिए अभी हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, और एग्जैक्ट पोल वाले दिन भी आप हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज 18, हम सबसे सटीक सबसे पहले आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम एग्जिट पोल लेकर आए हैं तो ये भी साइंटिफिक तरीके से लेकर आए हैं। नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, कल को इस पर किसी की सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन हम एक ऑथेंटिक डेटा लेकर आए हैं। फिर भी हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये एग्जैक्ट पोल है, ये एग्जिट पोल है। बिल्कुल, तो एग्जैक्ट पोल के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। उससे पहले एग्जिट पोल की ये तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, और बात करेंगे एग्जिट पोल की अभी तक की तस्वीर पर। अब तस्वीरें धर्मेंद्र जी लगभग साफ हो चुकी हैं, अभी ये एग्जिट पोल है, तमाम चैनल्स पर एग्जिट पोल है, लेकिन जो एनडीए के नेता हैं वो अभी से बधाई और श्रेय देना शुरू कर चुके हैं। मेनका जी, अभी आपके स्क्रीन पर पुष्कर सिंह धामी जी बधाई की बात कर रहे थे, शायद ये नहीं जानते होंगे लोग कि पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाले लोगों की बात को कितना जनता माने, ये तो 4 तारीख का समय बताएगा। दूसरी बात, जो आप तो होती रहती है, जो हार गया वो नेता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जनता ने नकार दिया फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये प्रश्न है उसमें कि जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए किसी को। दूसरी बात, जो आप एग्जिट पोल की कर रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि चीज़ें साफ़ हो रही हैं, मुझे लगता है धुंधली चीज़ को साफ कहने से कभी साफ होता नहीं है। जो आपका सैंपल है, जो आपका एग्जिट पोल है, उसका सैंपल साइज़ मैंने देखा 95,000 का है, 95,000 का सैंपल साइज़ है। और मैंने इस बात को अभी और भी रखा था कहीं पर सैंपल साइज़ को लेकर के, कि अगर हम पूरे देश के लोकसभा सीटों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटें हैं, और एक लोकसभा में तकरीबन 2000 बूथ होते हैं। तो अगर सारे बूथों की संख्या हम देख लें तो 1,000,000 से ज़्यादा होती हैं बूथों की संख्या, और हर एक बूथ पर 1,000 से ज़्यादा वोट होता है, 1,000 से लेकर 1,200 तक के वोट होते हैं, तो वो 1,000 गुना भी उसमें आप जोड़ सकती हैं। और आपका जो सैंपल साइज़ है वो 95,000 है, यानी कि बूथ को भी 10% ही कवर कर रहा है, यानी कि 10% बूथ पर एक एक आदमी आपने सैंपल लिया हुआ है। इसलिए और साइंटिफिक वे से नकार रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि आपका जो नकारना है वो भी साइंटिफिक वे से। बिल्कुल साइंटिफिक, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कर सकती हैं, मैं इसको मान लूंगा कि मैं गलत हूँ। लेकिन अगर आप देखिए कि उसके बाद आप बूथों की संख्या को मैंने बताया, फिर हम अगर वोटर्स पे चले जाएंगे तो आपने 1,000 वोटर में भी एक वोट का लिया, वो भी 10%, तो 0.0001% इसकी एक्यूरेसी मान सकते हैं। जैसे आपके स्टूडियो में मान लो 5,000 लोग काम करते हैं और एक आदमी से पूछे भाई किसकी सरकार बन रही है, उसने बता दिया इंडिया गठबंधन की बन रही है, तो आप चला दो कि पूरी तस्वीर साफ है, अब इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। तो ये बात मुझे थोड़ा सा अनुचित लगती है साइंटिफिक तरीके से। बाकी आपका पोल है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है धर्मेंद्र जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने भी सर्वे किया था, 400 सीट आप जीत रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो गलत सही कोई भी हो सकता है, आप भी गलत हुए थे। हम ये कहीं नहीं रहे ना कि जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल होगा, हमने एक अनुमान लगाया है, हमने एक सर्वे किया, वो दर्शकों के सामने रख रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए अब तक की पूरी पिक्चर रख देते हैं दर्शकों के सामने। ये देखिए आप, ये जो अभी तक की तस्वीर रही है मेगा एग्जिट पोल की, वो आप देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों में से 355 से 370 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, और 125 से कुछ ज्यादा सीटें यहां पर इंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती हैं, उनके नंबर्स जो है 125 से 140 हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहां पर ये जो कौन
किसकी गाड़ी आगे निकलती है इस रेस में, आपको ये रेस कोर्स दिखा रहा है किसकी गाड़ी आगे निकलती है इन आंकड़ों के जरिए देखिए, जो एग्जिट पोल में दिख रहा है। अब ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एनडीए की गाड़ी आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और उनको एग्जिट पोल के मुताबिक 355 से 370 एनडीए गठबंधन को, और वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 125 से 140। संजय जी, पूरे चुनाव के दौरान जब मैं लोगों के बीच जा रहा था, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा था, तो उस दौरान जब मैं माइक और कैमरे से इतर लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सीटें कुछ कम हो जाएं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, मोदी जी के हैट्रिक लगेगी, सत्ता पर वही काबिज होंगे। संकेत भी उसी बात के मिल रहे हैं एग्जिट पोल में, वो अलग बात है कि समाजवादी पार्टी और धर्मेंद्र जी इसको खारिज कर रहे हैं। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्रजातांत्रिक देश है, कोई इसको एक्सेप्ट करे कोई ना करे। और देखिए देखने का तरीका होता है कि आप आधे भरे गिलास को देख रहे हैं या आधा खाली गिलास को देख रहे हैं, देखने का तरीका होता है। जहाँ तक एग्जिट पोल की बात होती है अमित जी, एक चीज़ याद रखना है कि ये सैंपल साइज है, तो जो भी हम जो चावल भी पकाते हैं तो पूरे चावल को नहीं देखते, एक दो दाना उठा के मसल के देखते हैं कि दाना पका कि नहीं, तो उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा चावल पक गया। तो उसी तरह सैंपल साइज है, और आपने सैंपल साइज लिया है या एग्जिट पोल कर रहे हैं, नॉट एग्जिट पोल है, तो इसको एक कहीं ना कहीं एक रुझान दिखा रहा है, एक सोच दिखा रहा है, देश की विचारधारा दिखा रहा है कि किस तरफ जा रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए। जहां तक देखिए हार और जीत की सब चीज बातें हैं, हार और जीत लगी रहती है, इंदिरा गांधी भी एक जमाने में हार गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी हार गए थे, तो हार जीत चुनाव में लगा रहता है, राजनीति है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होता है कि 10 साल के एंटी शासन करने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी में अगर कोई कमी नहीं होती है तो ये एक सराहनीय काम है। और कोई भी नेता अगर प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है तो अमित जी मैं तो कहता हूँ वो प्रधानमंत्री बधाई के योग्य हैं। आज के दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई नया पार्क लगा रहा है तो मुझे बोलने में कोई कुरेज नहीं है, वो नरेंद्र मोदी ही लगा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए गारंटी भी आया गया उसका, ये फायदा है। कितने परसेंट आपको लगता है कि कितना परसेंट वोट इस नारे की वजह से बीजेपी के साथ जुड़ा होगा? देखिए मैं दो, अगर ये नारा ना होता तो क्या होता? मैं दो तथ्य रखता हूँ। देखिए एक अप्रूवर रेटिंग आई थी मोदी जी की, तकरीबन 25% उनको बताया गया है कि अगर ये रहते हैं तो 25% का वोट का इजाफा हो जाता, नहीं रहते हैं तो 25% कम हो जाता है। तो क्या ये जलवा अभी कायम है 10 साल के? बिल्कुल। दूसरा मैं इनका और रेटिंग दे रहे हैं, एक कंपनी एजेंसी ने रेटिंग की थी सितंबर 2023 में किया था, तो अप्रूवल रेटिंग जो मोदी जी की ग्लोबली बता रहा हूँ वो 65% आई थी, और वह भी बढ़ करके जो फरवरी में हुई थी तकरीबन 70% हो गई थी, और इंडिया में 75% हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उनके जो इमेज है उसमें इजाफा हुआ है, नो डाउट। और देखिए हम ये कहते हैं कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विपक्ष सशक्त होना चाहिए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसको घेरने में असक्षम रहा है। अभी एक अखिलेश यादव जी ने एक वक्तव्य दिया था कुछ दिन पहले, अमित जी आप तो कवर करते हैं यूपी, आपको पता है हम 79 सीट जीत रहे हैं और एक सीट। अब देखिए परिपक्व नेता है, बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के, इस तरह का बयान कहीं ना कहीं उनका दिखाता है कि उनकी दूरदर्शिता कितनी है। देखिए आप नारे दे सकते हो कि हम 500 के पार, 600 के पार, 200 के पार, जो भी नारे देना चाहो दे सकते हो, लेकिन इस तरह की गारंटी नहीं दे सकते। तो गारंटी जब आप किसी को घेरते हो, वो पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हो जो स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, प्लानिंग में अच्छी है, तो उनसे दुगना आपको काम करने की जरूरत है, और वो काम करने हमें लगता है विपक्षी एज पर एग्जिट पोल विपक्षी दल हैं कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, उनको आत्ममंथन आत्मचिंतन करने। अखिलेश जी ने जब क्योटो वाला बयान दिया था धर्मेंद्र जी, तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से हमारी बातचीत हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैंने उनसे यही कहा कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योटो में टाइट फाइट है और बाकी सीटें आप जीत रहे हैं 79, तो मैंने कहा कि आपको लग रहा है कि रविदास मेहरोत्रा राजनाथ सिंह को हरा देंगे, तो वो भी हंसने लगे। तो मतलब ये है कि अगर आपके पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा नहीं कि हम 79 जीत जाएंगे, तो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे तो वो थोड़ा हल्का नहीं हो जाता है धर्मेंद्र जी? अमित जी देखिए ऐसा है कि अगर आप मत को चावल के बराबर समझने लगे और इसकी भी वाहवाही कोई करे तो उसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। ये लोकतंत्र है, सुनिए लोकतंत्र, लोकतंत्र के आप इस पर ये भी कह सकते हैं कि ऊपर का चावल कच्चा है नीचे वाला पक गया है, आप कह सकते हैं अपने लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि जब आप सैंपल साइज लेते हैं, सर्वे करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि पूरे चावल को चेक करते हैं कि चावल पक गया नहीं पक गया, एक दाना निकाल कर चेक कर लेते हैं पक गया नहीं पक गया। अमित जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इसी देश के नागरिक को घुसपैठिया बोले तो वो परिपक्वता आप लोग कह सकते हैं।
इसी देश के नागरिक को अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोले तो आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर मोदी जी की रेटिंग बढ़ रही है, 75% से 100% से फिर उससे भी ऊपर चली जाती है। इसी देश के प्रधानमंत्री अगर मातृशक्ति के मंगलसूत्र छीनने की बात करें तो आप उसको भी कहेंगे कि बहुत बड़ी परिपक्वता है देश के प्रधानमंत्री की। अगर इसी देश में प्रधानमंत्री मुजरे की बात करें और लालटेन को मुजरे से जोड़ा, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं तो कि जो लालटेन है वो एक सिंबल है और भारत के संस्कृति में कोई भी जो रोशनी देने वाली चीज है वो चाहे आपकी लालटेन हो, चाहे दीपक हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे लाइटें हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, उन्हें सिंबल है अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने का और उसे माँ लक्ष्मी अंधेरे में थे उनके जीवन में प्रकाश रखना। हाँ, वो लालटेन आया था ये चुनाव चिन्ह तो शायद यही उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद की स्थिति हमने देखी कि बिहार किस तरह से अंधेरे में ही रह गया। और ये बिहार मेनका जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे, 10 सेकंड प्लीज। आपसे ही सवाल है, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूं। और उस जो सिंबल की आप बात कर रहे हैं जो अंधेरे को रोशनी देता है उसे माँ लक्ष्मी के बराबर माना जाता है, ठीक है। और अगर इस देश के प्रधानमंत्री उस माँ लक्ष्मी की तुलना जाके मुजरे में कर दें वो उनकी परिपक्वता हो जाती है। धर्मेंद्र जी, उसी लालटेन के राज में बिहार में क्या होगा हुआ ये तो भी देखा ना, 15 साल तक बिहार किस तरह से पीछे होता चला गया, बिहार में तमाम मिल्स बंद होते चले गए, वहां का रोजगार दूसरे प्रदेशों में चला गया, वहां के लोग मजदूर की तरह पूरे भारत में फैलकर काम कर रहे हैं, तो ये वही लालटेन राज था ना। तो कहने की बात अलग होती है और जो है सामने वो अलग है। खैर, मेरा इससे इतर सवाल है आपसे धर्मेंद्र जी, सवाल ये है कि विपक्ष यानी कि INDIA जब ये गठबंधन बना तो बहुत मजबूती के साथ बना था, ऐसा लगा था कि हाँ कुछ कर गुजरने का इरादा है इन तमाम राजनीतिक दलों का, ये इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो भव्य समारोह होता है, ठीक उसके आसपास गठबंधन के तमाम दल जो है छिटकने लगते हैं, ममता बनर्जी के सुर बदल जाते हैं, उधर साउथ में सुर बदल जाते हैं, तो क्या उसी वक्त आभास हो गया था INDIA को कि अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है तो बस हम फ्यूचर को लेकर कहीं कहीं पॉकेट्स में लड़े? मेनका जी, आप जिस तरह से बता रही हैं कि गठबंधन पहले मजबूत था, अगर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं था तो इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 चरण के चुनाव के बाद क्यों नहीं अपने पिछले 10 साल की किसी उपलब्धि की बात कर रहे थे रैलियों में, क्यों नहीं युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे थे रैलियों में, क्यों नहीं किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे रैलियों में, क्यों नहीं कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे रैलियों में, क्यों वे हिंदू मुसलमान कर रहे थे, क्यों वो मंगलसूत्र मटन कर रहे थे, क्यों मुर्गे कर रहे थे, नहीं क्यों कर रहे थे, ये देश के प्रधानमंत्री भी नहीं जानते थे क्या? इसका मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत था तभी तो ऐसा कर रहे थे। लेकिन इंडिया गठबंधन की मजबूती आप 4 तारीख को देखिएगा। सुन लीजिए, मजबूती की आप बात कर रहे हैं, सवाल यहां पर गया, हम आपकी बात को मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत था, लेकिन सवाल यहां पर गया उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में और